सदियों से हम सब दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर जीवन तलाश करने की कोशिश में हैं। ये तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी भी हम ये कहने में असमर्थ हैं कि हमारी पृथ्वी के बाहर की दुनिया में जीवन है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी ऐसी कई जगह बाकी हैं जहां हम पहुंच नहीं पाए हैं। हालांकि ब्रह्मांड में तो अनगिनत सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी खोज बाकी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम ज्यादा दूर न जाकर अपने सोलर सिस्टम पर ध्यान दें, यानी अपने 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स पर। अभी तक की गई रिसर्च के मुताबिक प्लैनेट मार्स जीवन को सपोर्ट करने का सबसे प्रबल दावेदार है, लेकिन कई साइंटिस्ट्स अब मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट या मून की तुलना में यूरोपा में जीवन संकेत होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यूरोपा है क्या और क्यों इसे जीवन को सपोर्ट करने लायक कहा जाता है। यूरोपा जुपिटर प्लैनेट का चौथा सबसे बड़ा मून है, जिसे गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में खोजा था, इसलिए इसे गैलीलियन मून भी कहते हैं। इसका नाम ग्रीक मिथोलॉजी की प्रिंसेस यूरोपा के नाम के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ग्रीक्स ने उन्हें क्रीटन मून गॉडेस का दर्जा दिया है। यूरोपा 4.5 बिलियन ईयर्स यानी 4.5 अरब साल पुराना है। इस हिसाब से ये लगभग जुपिटर के समय से ही मौजूद है। 1561 किलोमीटर रेडियस के साथ यूरोपा अर्थ के मून की तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन प्लूटो के हिसाब से बड़ा है। ये मुख्य रूप से सिलिकेट रॉक से बना हुआ है और इसकी सतह बर्फ की परत से ढकी हुई है। इसका कोर आयरन और निकल से बना है। यूरोपा के वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर भी यहाँ जैविक उत्पत्ति यानी बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है। यूरोपा की सतह पर मौजूद हर एक एटम और मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड है, जो जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर प्लाज्मा के लिए सोर्स का काम करते हैं। इक्वेटर पर यूरोपा का तापमान कभी भी -160 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ता है, जबकि इसके पोल्स पर तापमान -220 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। यूरोपा को जुपिटर का एक चक्कर लगाने में 3.5 दिन का समय लगता है। इसका एक भाग हर समय जुपिटर के सामने पड़ता है। इसके सरफेस पर एक ऐसा स्थिर बिंदु है जिसके बिल्कुल ऊपर जुपिटर बना रहता है, इसे सब जुबियन पॉइंट कहते हैं। जब यूरोपा जुपिटर के बेहद करीब आता है, तब जुपिटर का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरोपा का आकार जुपिटर की तरफ ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के विपरीत जब यूरोपा जुपिटर से दूर जाता है, तब इस महाप्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, जिससे यूरोपा अपने अधिक गोलाकार आकार में वापस आ जाता है। इसके आकार के बढ़ने और घटने की प्रक्रिया से इसके महासागर में ज्वार पैदा होता है। इसे टाइडल हीटिंग के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से यूरोपा के सरफेस पर हीट जनरेट होती है, जो इसके जमी हुई सतह के नीचे मौजूद पानी को लिक्विड फॉर्म में रखती है। इसकी पूरी संभावना है कि ये मून एक्सिस का चक्कर लगाते समय किसी न किसी समय पर झुक जाता है, यानी एक्सिस कहीं न कहीं टिल्ट है। ये बात इसलिए जाहिर है क्योंकि यूरोपा का सरफेस अजीब तरीके से चटका हुआ है। इतने भारी मात्रा में मौजूद ये आड़े तिरछे क्रैक्स को स्ट्रॉन्ग टाइड फोर्सेस के रिजल्ट के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि ये टाइड फोर्सेस यूरोपा के झुकाव की वजह से ही उत्पन्न होता है। इसी झुकाव की मदद से और ज्यादा हीट जनरेट होती है, जो ओशियंस को लिक्विड स्टेट में रखने में मदद करती है। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई है कि आखिर कब और कैसे ये स्पिन एक्सिस टिल्ट हुई होगी। 1997 के गैलीलियो मिशन ने दिखाया कि यूरोपा के सब सरफेस ओशियन से प्लूम्स जनरेट हो रहे हैं। प्लूम्स को आप पानी के फव्वारे समझ सकते हैं। हालांकि नीचे समुद्र तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मून बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। 1997 की फ्लाईबाई के दौरान नासा के गैलीलियो ने यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में बैंड ऑब्जर्व किया। ये बैंड उसकी जमी हुई सतह के अंदर से निकल रहे पानी के फव्वारे की वजह से था, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए पानी महत्वपूर्ण है। यूरोपा इस नजरिए से एलियन लाइफ की खोज का सबसे बेहतरीन दावेदार बनकर उभरा है। इसके अलावा वहाँ ऊर्जा भी मौजूद है। उसके सरफेस के नीचे मौजूद ओशियन इस बात का प्रमाण देते हैं कि ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल गतिविधियाँ सी फ्लोर में चलती रहती हैं। इनसे पैदा होने वाले न्यूट्रिएंट्स यूरोपा के महासागरों में जीवन को सपोर्ट कर सकते हैं। साल 2013 में नासा के रिसर्चर्स ने सुझाव दिया
कि यूरोपा अंतरिक्ष में सक्रिय रूप से पानी बाहर निकाल रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब साफ है कि यूरोपा आज के दौर में जियोलॉजिकली एक्टिव है। जून 2022 में नासा अपने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च कर सकता है। इस मिशन के जरिए यूरोपा को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यूरोपा के वाटर प्लूम्स की स्टडी करके वहां मिल सकने वाले जीवन के संकेतों का अनुमान लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वहां के महासागरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के कोई प्रमाण मिल जाएं। 60 से 150 किलोमीटर की गहराई के साथ 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे यूरोपा के महासागर मौजूद हैं। आने वाले समय में हम यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में हैं, लेकिन ये काम मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ के कुछ पैचेस तेज ब्लेड के समान हो सकते हैं, जिनकी मौजूदगी में प्रोब को यूरोपा की सतह पर उतरने में तकलीफ उठानी पड़ सकती है। कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से जिस तरह हमारी पृथ्वी पर पेनिटेंटीज के रूप में यूनिक आइस फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह यूरोपा के कुछ हिस्सों में पेनिटेंटीज मौजूद हैं, जो लैंडर के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। क्लिपर मिशन की मदद से ये जानने में भी आसानी होगी कि यूरोपा की सतह पर ब्लेड की तरह शार्प आइस फॉर्मेशन है भी या नहीं। अगर वाकई में यूरोपा की सतह पर आइस फॉर्मेशन है तो ये 50 फीट तक लंबी हो सकती है। सूरज की ओवरहेड किरणों के कारण पेनिटेंटीज का निर्माण होता है, और क्योंकि यूरोपा के इक्वेटर पर सूरज की किरणें पूरे दिन डायरेक्ट पड़ती हैं, पूरी संभावना हो सकती है कि ऐसे अनुकूल वातावरण में यूरोपा के ट्रॉपिक्स पर पेनिटेंटीज मौजूद हों। हालांकि इस बात का पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता है। यूरोपा क्लिपर उसके इक्वेटोरियल रीजन पर जाकर इस बात की जानकारी हासिल कर सकता है। अब ये जानने के बाद कि यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स की जानकारी दे सकता है, ये और भी रोमांचक हो जाता है कि कुछ साल में हम अपने सदियों की खोज को पूरा कर सकते हैं। पर जब तक ये नहीं हो जाता, तब तक हमारे सौरमंडल में जीवन की खोज से जुड़ा सवाल काफी पेचीदा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुपिटर के कितने मून्स हैं? हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।